And now we will continue a short exercise given in your book page number 31 वन the nouns which the pronouns replace so सो हमें किस पे टिक करना है जो प्रोनाउंस uh, यूज़ हो रहे हैं ना को रिप्लेस करने के लिए ठीक है रिप्लेस उसके उनके प्लेस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है ना की जगह ठीक है वन हैज़ डन फॉर यू वन क्या है एक आपके लिए बुक में आपको शो हो रहा होगा बुक में किया हुआ है ठीक है जैसे फर्स्ट है हमारा ही रैन टू द बाथरूम सो वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज़ यूज हेयर द वर्ड ही इज़ यूज फॉर सनल सो दे हैव टिक्ड अंडर सनल नाउ अवर सेकेंड सेंटेंस इज शी वॉज वर दैट सनल वुड मिस द स्कूल बस सो हेयर शी वर्ड इज़ यूज फॉर हिज मदर सो वी विल टिक अंडर मदर now next is it comes pretty much on time it i have told you earlier also that it is used for non-living things or animals so we will uh, we, uh, we will see that what is uh, used for it grandpa and granny no mother no father no sonal no bus okay so we will take under bus next is दे सर्व्ड ब्रेकफास्ट सो दे आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो आर लेर दैट वी यूज दे फॉर मोर देन वन पर्सन ठीक है दे हिंदी में उनको बोलते हैं ठीक है दे सर्व्ड ब्रेकफास्ट सो दे इज यूज फॉर ग्रैंड पा एंड ग्रैनी सो वी विल टेक ग्रैंड पा एंड ग्रैनी नेक्स्ट इज ओ गॉड वाई एम आई सो फॉर गेटफुल सो हेयर आई इज अवर प्रोनाउन आई इज़ यूज वैन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ जब हम अपने बारे में बात करें देन वी यूज द प्रोनाउन आई सो हेयर देयर सनल इज स्पीकिंग अबाउट हिम सेल्फ सो ही यूज आई वर्ड आई प्रोनाउन सो एज वी यूज ऑल्सो दैट आई एम डूइंग माई होमवर्क आई एम प्लेइंग आई एम वॉचिंग टेलीविजन सो वी यूज आई वैन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ सो I is used by Sannal here, so we will tick under Sannal. Okay, now in your next page, this is page number 31. Now in page number 32. Pronouns are words that take the place of nouns. Pronouns ke hai? as I told you that uh, the, the, these are the words that take place of noun. I, we, he, she, it, they. हिम हर एंड देम आर सम प्रोनाउंस ऑफन यूज ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अधिकतर जो कभी ऑफन मतलब अधिकतर ये जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में ठीक है आई की जब हम आई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं मी आई के साथ मी हीम शी हर दे देम वी ठीक है अभी इनका मीनिंग क्या है ये सब मीनिंग सेम है जैसे आई का आई मीन्स मैं मी me मीन्स मैं ही मेल के लिए हिम मेल के लिए शी फीमेल जेंडर के लिए और हर फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है यू इज़ यूज फॉर मोर देन वन देम इज यूज फॉर मोर देन वन वी वी मीन्स हम एंड अस इज़ ऑल्सो मीनिंग मीन्स अस ऑल्सो मीन्स हम बट what is the difference of using these uh, words we will study about this so uh, we will continue about this topic in our next class till then you read this uh, sentences these words these uh, meaning and try to understand the meaning of these words written in your book page number page number uh, 32 so uh, thank you for today.